Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, we did chapter number 29. That was type of sentences. Do you remember that? हमने last lecture में type of sentences किया था. उसमें हमने four type of sentences देखे थे. First was affirmative and negative sentence. Then interrogative, imperative, exclamatory. Do you remember that? हमने ऐसे देखे थे. फिर हमने देखा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं. टू पार्ट, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, राइट. और फिर कौन सा टाइप है? असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस. गॉट इट? सो नाउ टुडे वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 30, दैट इज पंचुएशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचुएशन? पंचुएशन मीन्स आप जब भी, जैसे आप फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हो, देन कॉमा करते हो, फुल स्टॉप करते हो, क्वेश्चन मार्क करते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क करते हो, उसे हम पंचुएशन कहते हैं, पंचुएशन मार्क्स कहते हैं. सो हम आज पंचुएशन के बारे में सीखेंगे. सो उसमें हम फुल स्टॉप के बारे में सीखेंगे, क्वेश्चन मार्क के बारे में, क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Punctuation. I had dinner at 8. I, see, first letter should be always capital. At the beginning of the sentence, first letter is always capital. I told you before also and I am telling you today also. And secondly, I is always capital. No matter that it is in the beginning of the sentence or at the end of the sentence or at the middle of the sentence, it will be always capital. I will be always capital. Okay, and other thing, except I, proper nouns are always capital. Proper noun मतलब क्या होता है? Naming word, जो proper होते हैं, जैसे कि किसी का नाम या तो कोई जगह का नाम, जो special naming word होते हैं उसके, वो proper noun कहते हैं. हम special naming word को proper noun कहते हैं. So proper noun का first letter always capital होगा. Got it? You have to remember this. I am very sleepy now. मैं बहुत नींद में हूँ. I am going to bed. मैं सोने जा रहा हूँ. Are you hungry? क्या तुम hungry हो? Why don't you eat with us? क्यों तुम नहीं खाते हमारे साथ? I got selected in the cricket team. I am so happy. So children, ये तीनों सेंटेंस में देखो, तीनों सेंटेंस में एक चीज़ आपको कॉमन लगेगी एंड दैट इज फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, राइट. देखो, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड अनदर थिंग, सी फर्स्ट सेंटेंस में फुल स्टॉप है, सेकंड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, थर्ड सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन है. सो व्हाट डिड इट इंडिकेट? कि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, उसलिए हमने फुल स्टॉप लगाया. सेकेंड है सेंटेंस है, उसमें वो क्वेश्चन वाला है, सो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया. एंड थर्ड वन जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, मीन स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब एकदम पूरा जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब खुश तो बहुत खुश, सैड तो बहुत सैड, सोरो तो बहुत दुखी, तो बहुत दुखी, लाइक दिस. मीन्स जो एक्सट्रीम लेवल पे जाता है जो फीलिंग्स, उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. गॉट इट? सी योर नोट दिया. ऑल सेंटेंसेस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. आई टोल्ड यू बिफोर ऑल ओनली ऑल सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर. देन फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मतलब क्या था? आर यूज एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट. देखो ये स्टेटमेंट है, उसके पीछे हमने यूज किया. I had dinner at 8. ये क्या कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ना ही एक्सक्लेमेशन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो नहीं दिखा रहा है. सो फुल स्टॉप. आई एम वेरी स्लीपिंग नाउ, फुल स्टॉप बिकॉज इट इज़ अ स्टेटमेंट. आई एम गोइंग टू बेड, फुल स्टॉप बिकॉज इट इज़ अ स्टेटमेंट. देन क्वेश्चन मार्क्स आर यूज एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. कौन से सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के. सो सी दिस आर इंट्रोगेटिव. आर यू हंग्री जिसे क्वेश्चन पूछ रहे हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जिस क्वेश्चन में हम कोई, जिस
सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. सो आर यू हंग्री क्वेश्चन पूछ रहे हो, यस, सो वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाई डोंट यू ईट विथ अस, क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. देन एक्सक्लेमेशन मार्क आर यूज एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब बहुत स्ट्रांगली फीलिंग दिखाता है, लाइक आई एम हैप्पी मीन्स आई एम सो मच हैप्पी, बहुत खुश हूँ. अगर मैं दुखी हूँ तो बहुत दुखी हूँ, लाइक दिस. अगर मैं डरा हुआ हूँ तो बहुत डरा हुआ हूँ. अगर मैं खुशी में हूँ तो बहुत खुशी है, लाइक दिस. सो देखो, आई एम सिलेक्टेड इन क्रिकेट टीम, सो हैप्पी है, सो एक्सक्लेमेशन मार्क. आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क. Got it? Then question A, use full stops, question marks or exclamation mark to complete the sentence. Okay, we will you put over your question mark, full stop and exclamation mark to complete the sentence. Okay, 1. Should I have the pastry of or the ice cream sundae? Should I have the pastry or the ice cream sundae? Kya aayega? Question pucha, so kya aayega? Question mark. I will have a pastry. Full stop, because it is a statement. Anita can have the sundae. Full stop, because it is a statement. Number 3, a chick is hatching out of the egg. Statement hai, so kya aayega? Full stop, because it is a statement. Simple sentence. 4, the hen is so happy, bahut khush hai, so exclamation mark, because it shows the strong feeling. Lion have bushy manes. Full stop, because it is a simple sentence. Number 6. Is the lion sleeping? Kya lion soya hua hai? Question mark. Because we are asking a question. Why don't you come with me, son? Kyun tum mere saath nahi aate? Question hai, so question mark. Number 8. The sunset is so beautiful. Strong feeling dikhai, so question mark. We could take our boat out to the sea. सिंपल सेंटेंस है, सो फुल स्टॉप. चलो एक बार रीड कर लो. नंबर 1, शुड आई हैव द पेस्ट्री और द आइसक्रीम सैंडी. नंबर 2, आई विल हैव द पेस्ट्री, अनीता हैव द सैंडी. नंबर 3, हर चिक इज हैचिंग आउट ऑफ एग. नंबर 4, द हैन इज सो हैप्पी. नंबर 5, द लायन हैव बुशी मैंस. फुल स्टॉप. नंबर 6, इज द लायन स्लीपिंग? Question mark. Number 7, why don't you come with me, son? Question mark. Number 8, the sunset is so beautiful. Exclamation mark. We could take our boat out to the sea. Full stop. Got it? Now, page number 119. Read. Asifa, Tareha, Salima and Huma are cousins. I bought a pair of gloves, 4 pair of wooden socks, 2 mufflers and 2 sweaters. I want red, pink, orange and yellow rose in my bouquet. See. क्या आपने इधर कॉमा नोटिस किया? देखो इधर. आसिफा, तरेहा, pair of gloves, 4 pair of wooden socks, red, pink. सो जब भी आप लिस्ट बनाते हो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की, या तो किसी के नाम का, या तो कोई भी चीज़ का, प्लेस का, जब आप लिस्ट बना रहे हो, इन शॉर्ट लिस्ट बनाते हो, तब आपको जो लिस्ट के नाम है वो कॉमा में करना होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर यू मेक लिस्ट पुट कॉमा. जब भी आप लिस्ट बनाते हो फिर कॉमा लगाते जाओ.
use commas to separate the items in a list. Separate करने के लिए हम comma use करते हैं. अभी देखो मैंने जो first sentence read किया, आसिफा तरिया सलीमा एंड हुमा, अगर मैं ऐसे read करता हूँ आसिफा तरिया सलीमा एंड हुमा, तो आपको कुछ समझ में आता. बट वन बाय वन कॉमा है, उसी लिए मैंने ये स्क्रूटिनाइज किया. देखो आसिफा तरिया सलीमा, बट अगर कॉमा ना होता तो आसिफा तरिया सलीमा, इट विल लुक ऑकवर्ड ना. सो फॉर मेकिंग द लिस्ट वी आर यूजिंग कॉमा. देन ईशा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? नूतन, डिड यू पैक योर बैग? इज द फोन वर्किंग? अमृता, कैन यू हियर हर? प्रताप, लेट्स गो टू जू? अहमद, तलीब, वाई डोंट यू जॉइन अस? सो बिफोर द नेम और आफ्टर द नेम यू विल पुट कॉमा. जहाँ आपको नेम दिखता हो तो क्यों, देखो इधर ईशा है तो कॉमा, नूतन है कॉमा, अमृता के पहले कॉमा. जहाँ नेम, देखो अगर लास्ट में नेम है तो आप उसके पहले, जैसे सेंटेंस में लास्ट में अगर नेम दिया हो तो बिफोर नेम यू विल पुट फुल स्टॉप कॉमा. एंड अगर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस नेम दिया है तो उसके बाद, मीन्स आफ्टर द नेम यू विल पुट द कॉमा. क्यों आप कॉमा रखते हो? जिससे कि वो पर्सन के बारे में हम बात करें उसके हमको दिखाएगा, वो इम्पोर्टेंस दिखाएगा, वो जो पर्सन के बारे में बात करें उसको पॉइंट आउट करेगा कि देखो अब इधर ईशा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, मतलब ये ईशा को ही कहा जा रहा है. मैं अगर ऐसा बोलती डिड यू फिनिश योर होमवर्क तो ईशा को क्या, तमन्ना को भी बोलती, दूसरे किसी बच्चे को भी बोलती, बट मुझे सिर्फ ईशा को ही पूछना है, स्पेसिफिक ईशा को, इसलिए मैंने ईशा लिखा. सो जब भी आप किसी को स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली कोई पर्सन को बोलते हो ना, तब आपको नाम के बाद में कॉमा, और अगर वो जो नेम है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है तो बिफोर द सेंटेंस यू विल पुट अ कॉमा. गॉट इट? वी यूज कॉमा बिफोर और आफ्टर द नेम ऑफ पर्सन वी आर टॉकिंग टू. हाँ, बिफोर और आफ्टर द नेम ऑफ पर्सन, मैंने आपको बोला ना जिसके बारे में हम बात करें उसके आगे या तो पीछे. अगर याद रखना, अगर बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस नेम दिया है तो नेम के बाद में कॉमा, और अगर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस कॉमा नेम दिया है तो नेम के पहले कॉमा. ओके, सेंड दिस पैकेज टू जयपुर राजस्थान, द जॉक फॉल्स इन कर्नाटका इंडिया, दिस ट्रेन गोज टिल दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल. वी यूज कॉमा टू सेपरेट द नेम ऑफ सिटी एंड स्टेट एंड कंट्री. यस, स्टेट और कंट्री, सिटी और कंट्री के नेम भी हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमा पुट करना होता है. जैसे जयपुर कहाँ है, तो राजस्थान में. ये जयपुर है वो सिटी है, और ये राजस्थान है वो स्टेट है. कर्नाटका स्टेट है और इंडिया कंट्री है. दार्जिलिंग सिटी है और वेस्ट बंगाल स्टेट है. गॉट इट? तो सिटी और स्टेट के नाम हमको डिफरेंस करने के लिए कॉमा लगाना पड़ता है. जैसे आप पता है जब एड्रेस लिखते हो ना तब ऐसे लिखते हो, आपका एड्रेस जब लिखते हो जूनागढ़ एट लास्ट कॉमा गुजरात, राइट, ऐसे लिखते हो ना. सो देट बी सिटी, सिटी और कंट्री, सिटी और स्टेट को हम अलग करते हैं और कंट्री और स्टेट को अलग करते हैं. गॉट इट? याद रखना आप. महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन अगस्त 15, 1947. वी बॉट अवर कार ऑन July 2, 2017. कॉमास आर यूज टू सेपरेट डेट ऑफ द ईयर. डेट को भी सेपरेट करना, डेट और ईयर को भी सेपरेट करने के लिए यूज होता है. व्हाट इट? जैसे देखो ये अक्टूबर है कॉमा डे, अगस्त है कॉमा ईयर, कॉमा ईयर. व्हाट इट? सो बच्चों हमने फोर टाइप ऑफ कॉमास यूज देखे. पहले तो जब हम लिस्ट बनाते हैं, सेकेंडली जब किसी पर्सन का नाम होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके, या तो सेंटेंस के
अगर बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस नेम दिया हो तो आप नेम के बाद में फुल स्टॉप कॉमा लगाओ, और अगर लास्ट में दिया हो तो वो जो नेम है उसके पहले कॉमा लगाओ. गॉट इट? देन देन जब भी हम सिटी का या तो स्टेट की बात करें तो सिटी और स्टेट को सेपरेट करने के लिए हम फुल स्टॉप करते हैं. स्टेट और कंट्री को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं. सिटी और स्टेट को डिफरेंस करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं, और स्टेट एंड कंट्री को डिफरेंस करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं. देन डेट और ईयर को दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं. गॉट इट? लर्न में कुछ दिया है. कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट द आइटम इन अ लिस्ट. कॉमा क्यों यूज़ होता है? सेपरेट आइटम्स ऑफ अ लिस्ट. आई टोल्ड यू वी यूज़ कॉमा बिफोर और आफ्टर नेम ऑफ पर्सन वी आर टॉकिंग टू. ये भी मैंने आपको बता दिया. वी यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट द नेम ऑफ अ सिटी एंड अ कंट्री. सिटी और कंट्री के नेम डिफरेंस करने का ले करते हैं. कॉमा आर यूज टू सेपरेट द डेट फ्रॉम द ईयर. डेट को भी सेपरेट करता है. गॉट इट? क्वेश्चन नंबर बी. एड अ कॉमा इन द करेक्ट प्लेस इन द सेंटेंसेस बिलो. आलोक सैम एंड आई आर फ्रेंड. आशीष श्रेया एंड निशा आर पार्ट ऑफ अवर ग्रुप टू. सो नेम है, लिस्ट है. सो उसके बाद हमने कॉमा यूज़ किया. त्रिशा ब्रिंग दोज बैग. मैंने बताया ना, एक नाम हो तो आपको नाम को सिर्फ नाम के आगे या पीछे आपको कॉमा लगाना होता है. आलोक हेल्प हर. आलोक अमित होल्ड द डोर ओपन टू देम. डू यू हैव चॉकलेट वेनिला बटरस्कॉच एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. एक लिस्ट बनाया. देर आर फोर गोल्ड फिश टू स्नेल्स एंड अ ईल इन माय फिश टैंक. लिस्ट बनाया. आई वाज बोर्न इन फेब्रुआरी 25th February 2011. माय ब्रदर वाज बोर्न इन June 19, 2008. सो डेट के आगे हमने किया, ईयर के आगे. फिर लिस्ट बनाओ. आई बॉट हैट बलून स्ट्रीमर प्लेट. लिस्ट बनाया, उसलिए हमने फुल कॉमा का यूज़ किया. गॉट इट? फिर नंबर सी. अजीत एंड हिज ब्रदर मेड सम पोस्टर्स फॉर देयर फ्रेंड्स. यूज फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. अजीत ने कुछ पोस्टर बनाए हैं उसके फ्रेंड्स के लिए. सो उसमें जो जो कमी है हम उसमें कर देंगे. ओके. Roses are red, full stop, because it is a statement. Violets are blue, full stop, because it is also a statement. Everyone should have a friend like you, full stop, because this is a statement. I am so happy, exclamation mark, because it shows the strong feeling. Let's go out to play, full stop, it is a statement. Sunday is a holiday, full stop, it is a statement. The sun rises in the east, full stop. It sets in the west, full stop. Of all my friends, you are the best, exclamation mark. पहले दो सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस है, और फिर ये वाला एक्सक्लेमेशन है, बिकॉज इट शोइंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. डिड यू विन द मैच? क्वेश्चन मार्क, बिकॉज क्वेश्चन पूछ रहे हैं. डिड यू ड्रॉप द कैच? क्वेश्चन मार्क. डिड यू प्ले द विन? प्ले टू विन? क्वेश्चन मार्क. डिड यू प्ले टू फन? क्वेश्चन मार्क. सो ये जो फोर सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन पूछे, उसलिए हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया. डू यू वेंट टू द टेस्ट? फुल स्टॉप, बिकॉज इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. डिड यू गिव योर बेस्ट? क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन सेंटेंस. बिगिन योर डे विथ अ स्माइल, फुल स्टॉप. मीट योर फ्रेंड्स वन इन अ वाइल, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क. गॉट इट? सो बच्चों आज हमने क्या सीखा? पंक्चुएशन के बारे में सीखा, जिसमें हमने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में लर्न किया, और कॉमा के बारे में लर्न किया. सो बच्चों, आज का आपका होमवर्क होगा, आपको एक्सरसाइज नंबर ए बी और सी कंप्लीट करना है. ओके, बाय बाय.
and have a good day.